सब्सक्राइब कीजिए टेकीरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आ गया हूँ वापस से आपके लिए अलग अलग तरह की टेक न्यूज रूमर्स और लीक्स वगैरह रह के, तो इस वीडियो का अंत तक देखना मत भूलिएगा। और जैसे कि नया साल करीब आने वाला है, जल्दी नया साल आ ही जाएगा 2019, तो MWC से रिलेटेड भी कुछ रिपोर्ट्स, रूमर्स और लीक्स वगैरह निकल के आ रही है, तो इस वीडियो को दोस्तों याद से अंत तक देखना बिल्कुल मिलेगा। मैं उसी मीडिया आप सभी का स्वागत है टेक रिपोर्ट की हिंदी टेक न्यूज में। दोस्तों यहाँ पे जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है MWC से ही रिलेटेड 2019 वाले, क्योंकि उसमें हो सकता है मोटोरोला यानी कि मोटो अपनी तरफ से लॉन्च कर दे मोटो का G7 सीरीज का स्मार्टफोन यानी कि मोटो G7। अब देखते हैं फरवरी की मंथ में कैसे क्या लॉन्च होता है, क्या क्या हमको मोटोरोला के G सीरीज या फिर हम कह लें मोटो G7 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही देखने को मिले। इसी के साथ नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स, रूमर्स और लीक्स वगैरह निकल के आ रही है वो है नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसी लीक्स आ रही थी नोकिया 9 प्योरव्यू वाले स्मार्टफोन को लेके, तो अभी तक तो ऑफिशियली ऐसा कुछ लॉन्च हुआ नहीं है, मगर इससे रिलेटेड एक और रूमर्स और लीक्स निकल के आ रही है, क्योंकि इसकी कुछ केसिंग वगैरह लीक हुई है जिसमें हमको देखने को मिल रहा है Penta-lens कैमरा। यानी कि दोस्तों कैमरे का अभी जमाना है, फोन में कैमरा बढ़ते ही जा रहे हैं आगे पीछे, 4-4, 3-3, अब तो शायद से बैक में ही 4 कैमरे वाले आ गए। अब पेंटा कैमरा वाला स्मार्टफोन हमें हो सकता है नोकिया की तरफ से पहला स्मार्टफोन ऐसा कुछ हो जाए देखने को मिले बैक साइड में जिसमें पेंटा कैमरा हो। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है रिलायंस जियो को लेकर निकल के आ रही है, क्योंकि रिलायंस जियो अपने ऑफर्स के कारण तो जाना ही जाता है, इसलिए जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर भी जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जिसमें कि आपको 100% कैशबैक देखने को मिल जाएगा। 399 रुपए वाला जो प्रीपेड रिचार्ज है उससे शायद से शुरू है या फिर उसी पे आपको ये देखने को मिलता है, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करना बिल्कुल भूलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो है हुआवे के पी स्मार्ट वाले एक स्मार्टफोन को लेके, जो कि 2019 में होगा लॉन्च, ऐसे की कुछ खबरें निकल के आ रही है, जो कि शायद से कोई इनका पहले कोई ऐसा पी स्मार्ट करके फोन था उसका अपडेटेड मॉडल होने वाला है, तो ये 2019 में हो जाएगा लॉन्च, जिसमें कि आपको देखने को मिल सकती है 6.21 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसमें कि आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाए। इसके साथ इनका जो प्रोसेसर इनहाउस क्रीन 710 वाला प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो क्लॉक स्पीड होगी प्रोसेसर की 2.2 GHz, ऐसे कुछ GPU टर्बो फर्बो जो कुछ भी मिलना है वो सब आपको मिल जाएगा आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। 4GB की रैम और 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ नॉच वॉच वाला शायद से इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाए, जो कि वो वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि आजकल फैशन सा बन गया, क्योंकि ये भी नॉच में भी थोड़ा इनोवेशन और चेंजेस आने लग गए हैं, और ड्यूअल रियर कैमरा का सेटअप वगैरह आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो वो है Xiaomi के मीजिया स्मार्ट 10 kg लोडेड वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है MI ने, यानी कि अब MI ने भी अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है Xiaomi से ही रिलेटेड निकल के आ रही है रूमर्स लीक्स वगैरह, क्योंकि Xiaomi का Poco F2 हो सकता है लॉन्च, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाए Qualcomm का Snapdragon 845 प्रोसेसर, और Poco का जैसे कि पहला फोन भी काफी हिट रहा था इंडिया के अंदर, तो हो सकता है ये सेकंड फोन हो जाए हिट और कुछ नए इसमें कर दिखाए Xiaomi वाले, क्योंकि इनने काफी कम रेंज में आपको अच्छा एक तौर पे फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर वगैरह आपको पिछले फोन में दे दिया गया था Poco स्मार्टफोन के अंदर, तो Poco F2 देखते हैं कैसा है लॉन्च होता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है Google Pixel के बारे में, क्योंकि उसका छोटा भाई हो सकता है लॉन्च, यानी कि Pixel 3 का छोटा भाई लॉन्च हो सकता है, लेकिन इसका मतलब Pixel का एक लाइट मॉडल आ सकता है जल्दी अगले साल, यानी कि Pixel 3 लाइट या फिर ऐसे ही कुछ दूसरे नाम से हो सकता है कोई सा स्मार्टफोन लॉन्च नेक्स्ट ईयर गूगल की तरफ से, क्योंकि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स वगैरह सामने निकल के आ रही है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो Huawei P30 और P30 Pro जल्दी हो सकते हैं MWC 2019 में लॉन्च, ये भी एक MWC रिलेटेड खबर ही निकल के आ रही है। अभी तक इसको ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट तो आया नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स निकल के नहीं आई है, मगर जो भी रिपोर्ट्स लीक्स वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हो सकता है Huawei का P30 लॉन्च, क्योंकि ये जो सीरीज है ये भी काफी फ्लैगशिप वाली सीरीज होती है, इसमें आपको हो सकता है बैक साइड में देखने को मिल जाए 4 तरह के कैमरे, और फ्रंट में वही वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले, यानी कि कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच पे कैमरा और डिस्प्ले आपको फुल व्यू डिस्प्ले। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है
डिज्नी लवर्स के लिए काफी बेहतरीन बात रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, क्योंकि अब आपको जियो सिनेमा में भी आपको डिज्नी का एक हो सकता है डेडिकेटेड सेक्शन देखने को मिल जाए, या फिर डिज्नी का एक डेडिकेटेड कंटेंट या फिर स्पेसिफिक डिज्नी कंटेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जियो सिनेमा यानी कि जियो की पार्टनरशिप हो गई है डिज्नी के साथ एक्सक्लूसिव होस्टेड कंटेंट को लेके डिज्नी इंडिया के साथ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और जियो सिनेमा के अंदर डिज्नी के कंटेंट को लेके एवेंजर्स और स्टार वॉर्स ये सब मूवीज को देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा, इंजॉय जरूर कीजिएगा। मैं उस उम्मीद रहा जल्दी आपसे इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक और वीडियो में मिलूंगा। टेक केयर फॉर यू से।